दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक वैकेंसी के बारे में, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी। ये इंडियन नेवी के लिए है। तो इसमें ये एंट्री है वो अलग अलग लेवल पे होती है। इसमें एक एंट्री होती है बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं जो 10+2 करने के बाद बीटेक के लिए एलिजिबल होते हैं, और बीटेक के लिए जो JEE का टेस्ट होता है उसमें जो अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो उसके बाद JEE का जो आपका स्कोर रहता है उसके बेस पे ये करते हैं। फिर उनका आगे प्रोसीजर होता है, ये SSB इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट वगैरह लेके, और इसमें आपका सिलेक्शन होता है। ये परमानेंट जॉब होती है, ठीक है। तो इनका जो 4 साल का कोर्स होता है ये बीटेक खुद करवाते हैं आपको, ठीक है। बीटेक आपको ये जो नेवी की एकेडमी है उसमें करवाया जाता है 4 साल का। उसके बाद आप इंडियन नेवी के में जॉब लग जाती है आपकी। तो ये कोर्स जो है इसी स्कीम में, ये जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहा है। इस कोर्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं आप, इसके फॉरम की ओपनिंग डेट है 6 अक्टूबर 2020, ठीक है। इसमें सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसकी एज बहुत कम रखी जाती है, बहुत ही यंग एज में इसमें रिक्रूट किया जाता है, और अनमैरिड मेल कैंडिडेट लिए जाते हैं, पर्टिकुलरली मेल आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो आपका कोर्स कहाँ पे होगा, इंडियन नेवल एकेडमी इजीमाला केरला, केरला में ये जो नेवी नेवल एकेडमी है उसमें आपका 4 साल का बीटेक का डिग्री कोर्स होगा, ठीक है। ये जो बीटेक एंट्री स्कीम है बीटेक वाले कैंडिडेट के लिए, ठीक है। इसमें वैकेंसी कितनी है दोस्तों, इसमें वैकेंसी है 34, 34 टोटल इसमें वैकेंसी आई हुई है। और वैकेंसी देखने में कम लगता है, पर क्योंकि मतलब जिसको किसी को जाना है, जिसका ड्रीम है नेवी में जाने का, तो उसके लिए तो चाहे बेसिक एक ही क्यों ना हो वो ट्राई करता ही है, ठीक है। तो ये देखिए वैकेंसीज आपको दी हुई है 34। यहाँ पे दो ब्रांच है, अलग अलग एजुकेशन ब्रांच, एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच, वट एवर। इसमें कंडीशंस क्या है एलिजिबिलिटी की, आपकी एज मैंने कहा था बहुत ही कम एज में लिया जाता है, जो 2001 से 2004 के बीच में जिनका बर्थ हो, स्पेसिफिकली 1 जनवरी 2004, उसके बाद नहीं, तो वही इसमें एलिजिबल है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका जो बिल्कुल 10+2 बेस्ड है, क्योंकि आपको बीटेक करनी है इसमें जाके, तो 10+2 बेस्ड है, ठीक है। आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है PCM, उसमें एग्रीगेट 70% मार्क्स होने चाहिए, और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स हो, या तो 10वीं में या 12वीं में, इन दोनों में से किसी क्लास में। इंग्लिश की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए है ये 50% मार्क्स। तो चलो ये सेटिस्फाई हो गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो कौन अप्लाई करेगा इसमें से, क्या सारे कर देंगे इसमें से अप्लाई? नहीं, जो JEE मेन 2020, जो JEE का टेस्ट होता है जो बीटेक के लिए होता है, उसमें जो अपीयर हुए हैं, ठीक है, तो उनमें से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है, उनमें से बुलाया जाएगा। किस बेस पे, जो आपका स्कोर या ऑल इंडिया रैंक आएगी, तो उसमें से जो रैंक कौन बनाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो होती है वो आपका रिजल्ट निकालेगी, तो उसमें जिनकी रैंक होगी उस रैंक के हिसाब से ये इन्वाइट करेंगे कि आप अप्लाई कर सकते हो, भी किस रैंक तक वालों को ये करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा फिर इसमें, उसके बाद थोड़ा सा मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है, पर मेडिकल तो इसमें बाद में होता है। यहाँ पे पहले क्या होता है इसमें, कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग जो होती है वो JEE का स्कोर है, इससे शॉर्ट लिस्ट करेंगे आपको, ठीक है। इसमें जो मार्क्स आएंगे ना आपके, उसके आधार पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें इन्होंने बता रखा है कि इसमें SSB इंटरव्यू होता है, ठीक है। SSB इंटरव्यू ये दो स्टेज में होता है। पहली स्टेज में क्या होता है, एक तो होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, आपकी इंटेलिजेंस ही है वो चेक की जाएगी इसमें। तो उसके बाद और क्या क्या होता है इसमें, इंटेलिजेंस टेस्ट तो हो ही गया, उसके साथ साथ एक है पिक्चर परसेप्शन, ठीक है। पिक्चर परसेप्शन ये यहाँ पे दे रखा है इन्होंने ये, और ग्रुप डिस्कशन ये हो गया, ये आपका SSB की ग्रुप स्टेज 1 का पार्ट हो गया। स्टेज 1 में जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका फिर स्टेज 2 टेस्ट होगा। स्टेज 2 में क्या होगा, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होगी, ग्रुप टेस्टिंग होगी, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू होगा। तो मतलब आप सोच सकते हैं,
जो प्रोसेस है, मतलब क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे कैंडिडेट लेने हैं, आफ्टर ऑल आर्मी के लिए तो साइकोलॉजिकल बहुत टफ होने चाहिए, वो डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत पड़ती है, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, मतलब कई स्टेजेस में, ये देखो 4 दिन का लगभग होता है ये, इसमें चलेगा, और उसके बाद जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे फिर उनका मेडिकल लिया जाएगा आपका। इसके बाद क्या होगा, अगर आप मान लो सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपकी ट्रेनिंग होगी, एज यूजल हर जॉब में होती ही है। ट्रेनिंग के दौरान आपका जो इंटायर कॉस्ट होगी ये दे रखा है इन्होंने, चाहे बुक्स हो, रीडिंग मटेरियल, और चाहे आपका क्लोथिंग वगैरह, मेस का, खाने पीने का खर्चा, सब इंडियन नेवी की तरफ से वहन किया जाएगा। तो आप इसमें अप्लाई कीजिए, बहुत ही अच्छी जॉब है। इसमें दे भी रखा है कि आपको इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, 6 अक्टूबर 2020 से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये इसमें अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। लिंक जो है ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह है वो आपने इस पे देख लेनी है, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो हो पहले अच्छे से इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ के, इन्होंने वेबसाइट पे भी दिया हुआ है वो पढ़ के फिर ही आपने अप्लाई करना है। तो जैसे कि इसमें रैंक जो होता है वो सब लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होता है, उसके बाद प्रमोशन होते हैं, आप लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, ऐसे बनते जाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में इसका जो 7th पे कमीशन है, 7th पे वाला, उसमें लेवल 10 है। ठीक है दोस्तों, लेवल 10। 6th पे कमीशन में क्या होता था, आप 5400 ग्रेड पे बोलते थे जिसको, जो कि क्लास 1 जॉब होती है ना, उसका होता है, चाहे IAS हो या कोई भी जॉब हो, क्लास 1 जो होती है तो उसमें 5400 ग्रेड पे होता था। अब वो ये 5600 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आपकी बेसिक पे होगी। इसके अलावा आपको DA मिलेगा इसके ऊपर, जो आजकल 17% है। इसके अलावा आपको HRA या अकोमोडेशन मिलेगी। एक जॉब और इस जॉब में फायदा है, वो MSP। MSP क्या होती है, मिलिट्री सर्विस पे। ठीक है, ये मिलिट्री में आप सर्विस करते हैं तो इसके लिए एक्स्ट्रा मिलती है ये। ठीक है, ये भी अच्छी खासी है। इसमें देखो इस रैंक पे 15500 आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, ये मिल रहा है, DA मिल रहा है, 15500 ये मिल रही है, तो आपको 80-85 हज़ार विद अकोमोडेशन आपको मिल रहा है। तो बहुत अच्छी पे है ये, और प्रमोशन इसमें होती जाती है तो पे और बढ़ती जाती है, पे वाला कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। पे के अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं दोस्तों, जरूरी नहीं कि पे ही सब कुछ होता है। पे के अलावा भी देखिए इसमें, जैसे हेल्थ केयर, आपको पता है आर्मी की दी बेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है आर्मी, मैंने जितने भी दोस्तों से सुना है। एक्सप्लोर द वर्ल्ड, आप अलग अलग ट्रेनिंग के लिए, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि इंडियन नेवी ने और रशियन नेवी ने मिलकर, मतलब एक ज्वाइंट एक्सरसाइज की, अलग अलग कंट्री के साथ चलती रहती है, और अलग अलग पर्पज़ के लिए, जैसे कुछ सामान आप खरीदते हो नेवी के लिए या मिलिट्री के लिए खरीदते हो, तो जो ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पे जाते हैं उनको चेकिंग वगैरह करने के लिए, मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तो आप पूरा वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हो। ठीक है, बहुत बहुत बार आप मतलब जो नेवी के जहाज़ लेके इधर उधर जाते रहते हैं फॉरन पोर्ट्स पे। रिक्रिएशन फैसिलिटीज़, ऑफिसर्स लोगों के पार्टीज वगैरह, ये सब होता रहता है। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन बहुत अच्छी अकोमोडेशन इंडियन नेवी जो है वो प्रोवाइड करती है, तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज इसमें है। इसके अलावा भी आप देख रहे हो, जैसे इसमें क्लोथिंग मिलती है, क्लोथ के रिलेटेड आपको अलाउंस मिलता है, ऑफिसर्स को बहुत अच्छा खासा अलाउंस होता है। राशन प्रोवाइड किया जाता है आपको, जो खरीदने का सामान फ्री राशन मिलता है आपको खाने पीने का, या आप जो मनी भी ले सकते हो राशन के बजाय। और नेवल हाउसिंग स्कीम्स भी निकलती रहती हैं, जिसमें कि स्पेशली जो फ्लैट या सोसाइटी बनाई जाती है नेवी ऑफिसर्स या आर्मीज के लिए, तो उसमें आप एक्सक्लूसिवली अप्लाई करके अच्छे घर रिटायरमेंट के बाद खरीद सकते हो। ट्रेनिंग भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें आपको साइकोलॉजिकल रूप से और मेंटली और फिजिकली आप इतने स्ट्रोंग बनते हो कि आपकी लाइफ लॉन्ग, मतलब जो रिटायरमेंट के बाद है, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, तो वो भी एक बेनिफिशियल है। तो दोस्तों 6 अक्टूबर से इसके जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन एक्सेप्ट होने। आप इसमें अप्लाई कीजिए, जो भी मेरे साथी हैं जिन्होंने JEE मेन का एग्ज़ाम दिया हुआ है। रेस्ट डिपेंड करता है कि ये आपको कॉल करेंगे आपकी रैंक के हिसाब से, जो रैंक आएगी उसके बाद फिर SSB इंटरव्यू, SSB ग्रुप डिस्कशन वगैरह होगा, फिर मेडिकल एग्ज़ाम भी इनका टफ ही होता है, और इन सब से निकल पाते हैं आप तो आपका सिलेक्शन बहुत ही बेहतरीन जगह होगा। ठीक है, इंडियन नेवी में ना पैसे की कोई कमी है, ना सुविधाओं की कोई कमी है, तो बहुत ही अच्छी लाइफ है। और ऑल द बेस्ट,
जो भी दोस्त अप्लाई करें और सिलेक्शन हो उनका, और देश के लिए, देश का नाम रोशन करें। आज के लिए इतना ही, और भी कोई इम्पोर्टेंट वैकेंसीज वगैरह होगी तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।